शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपको जल्द से जल्द 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। अगर ऑपरेशन करने में देर कर दी तो पूर्वी की जान को खतरा हो सकता है। अगर आप अपनी एक किडनी बेच देती हैं, तो आपको पैसे मिल जाएंगे और वो पैसे आप यहाँ जमा कर दीजिए। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया है। पैसे तो जमा हो गए, पूर्वी के होने वाली भाभी ने पैसे जमा कर दिए। ये सिर्फ तुम्हारी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, इसलिए सब कहानियाँ बना रही है और कुछ नहीं। अब तो हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है मैडम। पूर्वी दीदी के लिए तुमने हमसे झूठ बोला ना, अब तुम्हारी कोई बात पर हमें भरोसा नहीं है। अटेंशन एवरीवन, आई हैव ग्रेट न्यूज। इंडिया के टॉप फैशन मैगजीन द फ्लेम ने हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उनका नेक्स्ट कवर पेज हमें शूट करना है। वाओ, दैट्स ग्रेट। और हम सब जानते हैं कि उस कवर पेज का मॉडल कौन होगा। हम कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा सुनो, इसके सारे मेजरमेंट्स अच्छे से लेना और हेयर और मेकअप स्टाइलिस्ट टॉप नॉच का होना चाहिए। ओके, द फ्लेम के साथ अभी एक मीटिंग अटेंड करके आ रहे हैं, तब तक एवरीथिंग शुड हैव बीन डन। यस मैम। एक्सक्यूज मी। यार क्या किस्मत है ना गौरव की। आई मीन एक ही तो महीना हुआ है, वो एक ड्राइवर था और अब सीधा फ्लेम का फेस बन गया। जैसा कि हम सब जानते हैं उर्वशी मैम को, वो ना कोई भी काम फ्री में नहीं करेगी, बदले में कुछ ना कुछ तो ले ही होगी ना। तू समझ गया ना मैं क्या बोल रही हूँ। आई मीन सिर्फ लड़के थोड़ी ना फायदा उठाते हैं। देख कैसे भागा भागा गया है। ये बात तो है, छोड़ ना हमें क्या। मैडम थैंक यू, मैडम हमें इतना आगे बढ़ाने के लिए। अब हमें समझ आ गया है कि कैसे गौरव को उर्वशी मेम साहब के चंगुल से निकाला जा सकता है। अगर आगे भी ऐसे ही गौरव इनके साथ काम करता रहा ना, तो ये उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तुम जब भी बचपन में नई क्लास में जाते थे ना, तो हम तुम्हारे लिए ये सब बनाते थे और गुड़ से मिलाकर तुम्हें खिलाते थे। आज जब तुम्हें इतना बड़ा काम मिला है, तो हम तुम्हारे लिए क्यों ना बनाएं? इसीलिए हम ये सब बनाए हैं आज तुम्हारे लिए, तुम्हारी नई और अच्छी शुरुआत के लिए। गौरव, जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, हमसे गलती हुई है और उसके लिए हम माफी मांगते हैं तुम्हारे। लेकिन सच में हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वी दीदी के लिए किया। गौरव, हमने कितनी कोशिश की थी तुमसे बात करने की, कितना ढूंढा तुम्हें, पूरे घर में ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। कितने फोन किए हमने तुम्हें, कितनी कोशिशें की कि एक बार तो बात हो जाए हमारी तुमसे। हम क्या करते गौरव, उस वक्त फिर हमें जो सही लगा हमने वही किया। गौरव, हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हम पूर्वी दीदी को ठेस पहुंचाने की सोच सकते हैं? लेकिन गलती हमारी है, हमें ना, हम ही पागल, हम ही बुद्धू हैं। तभी तो वो गलत लोगों की बातों में हम आ गए थे, लेकिन हमारा इरादा बिल्कुल गलत नहीं था गौरव। और तो और,
सिर्फ पूर्वी दीदी की वजह से तुम पर गुस्सा नहीं किया गया ना, हमने गुस्सा इसलिए भी किया था क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे अपनी अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुम्हें कुछ हो जाता तो हमसे वादा करो कि तुम बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाओगी, हमसे पूछे बिना कुछ नहीं करोगी। अच्छा हमें माफ कर दो, हमें पता है तुम हमें कैसे माफ करोगे। तुम जिस काम के लिए आई थी वो तो तुमने किया ही नहीं, तुम्हें खाना दो, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ तुम आओ बैठो यहाँ। गौरव तुमने ना हमसे वादा लिया है तो हम ना तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। बोलो ना। वो तुम्हारे कुछ फोटो ना हमने वो फैशन स्टूडियो, हाँ वही, वो लोगों को तुम्हारे फोटो भेजे हैं हम। क्या? हाँ उर्वशी मैम साहब तुम्हें इतना आगे बढ़ा रही है उससे कोई तकलीफ नहीं है हमें, पर वो शायद अपना काम बहुत ईमानदारी से भी कर रही है, लेकिन तुम्हारे दोस्त होने के नाते हम चाहते हैं कि लोगों को तुम्हारी मेहनत भी दिखाई दे, लोगों को ऐसा ना लगे कि तुम इतना आगे सिर्फ उर्वशी मेम साहब की वजह से बढ़ रहे हो। और गौरव तुम नहीं चाहते कि तुम्हें भी पता चले कि बाहर की दुनिया में तुम्हारी का इज्जत है, लोग तुम्हें पहचानते भी है कि नहीं। अच्छा समझो कि आज तो अच्छे से ये काम चल रहा है उर्वशी मेम साहब के साथ, सब कुछ सही है, लेकिन कल को उठकर अगर उन्हें कोई नया मॉडल मिल गया तो उसके बाद तुम क्या करोगे? तो बाहर भी तो तुम्हें लोगों को बताना पड़ेगा ना, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। हम बस इतना ही चाहते हैं कि तुम अपने भविष्य के बारे में भी सोचो। इलो गौरव वो फैशन कंपनी वाले ना आज आने वाले हैं तुमसे मिलने, वो लोग कह रहे थे कि उन्हें तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी लगी है तो वो आकर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, और वो कह रहे थे कि कुछ कागजात भी लाएंगे और सब ठीक रहा तो तुम्हें वो दस्तखत भी करने पड़ेंगे। तुम्हें हमारी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई लगे ना और तुम्हें समझ में आए तो तुम उन कागजों पे दस्तखत कर देना। तुम ही खाओ, हम घी लेकर आते हैं। नमस्ते। नमस्ते। गौरव हमें आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी इसलिए हम आपको एज एन मॉडल 3 साल के लिए साइन करना चाहते हैं। गौरव देखा हमने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें हुनर है। तुम फिकर मत करो, हमने सुधा मेम साहब से बात कर ली थी। आइए बैठिए ना।
उर्वशी मैम आप? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मेरे मॉडल को अपने एजेंसी के लिए साइन करने की? मैडम क्या ये आपका मॉडल है? हाँ मैं तुम लोगों की एजेंसी को बर्बाद कर दूंगी। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम मुझसे पंगा लोगे और तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि गौरव आपका मॉडल है। इस लड़की ने उसकी फोटो दी थी, उसकी प्रोफाइल अच्छी लगी इसलिए हम साइन कराने यहाँ आ गए थे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारी औकात नहीं है उर्वशी मैम से पंगा लेने के। सॉरी। मैडम ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? मैडम एक बार हमारी बात सुन लीजिए, हमने कुछ गलत नहीं किया। बस अब मैं तुम्हें एक और मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैडम उर्वशी, मैडम उर्वशी, ये क्या कर रही हो तुम? गहना को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? अब इसे पता चलेगा उर्वशी चौधरी से पंगा लेने का नतीजा। चिंता मत करो, तुम्हें ना सिर्फ छोटी माता आई है, कुछ नहीं होगा बच्चा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। छोटी माता? What nonsense is this? पापा डॉक्टर को कॉल कीजिए जल्दी। हाँ जल्दी फोन कीजिए। तुम चिंता मत करो बेटा, बस अब भी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। तुम्हारी गहना दीदी है ना तुम्हारे पास? दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन मैं महेंद्रा जी को दे देता हूँ और बाकी आप जो कर रही हैं वो करते रहिए, इस लेप से आराम मिलेगा। ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। देखिए डरने की कोई बात नहीं, बच्चे को चिकन पॉक्स है लेकिन इसका कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, थोड़ा बुखार है, ये दवाई दे दीजिए बुखार उतर जाएगा। आपके फैमिली डॉक्टर गुप्ता ने मुझे आज उनकी जगह भेजा है, मैं आपका फैमिली डॉक्टर तो हूँ नहीं इसलिए मुझे बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री का कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी माँ ने आयुर्वेदिक लेप बच्चे पे लगाया है, आई मीन जो देसी नुस्खा अपनाया है, उसकी वजह से बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। वो उसकी माँ नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। I'm sorry, मुझे गलत टाइम हुआ, excuse me। उस दो टके की नौकरानी को एक मिनट भी इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं। हम कहीं नहीं जा रहे। जब तक प्रिंस ठीक नहीं हो जाता चाहे जो कुछ भी हो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। उर्वशी बिटिया, प्रिंस हमारा इकलौता नाती है और शायद एक ही रहेगा। इस लड़की की वजह से प्रिंस ठीक हो रहा है इसलिए ये लड़की यही रहेगी और ये हमारा फैसला है। गौरव ये दवा की पर्ची है, ये दवाइयां ले आओ।
कुछ दिन रह लो। धक्के मार के तुम इस घर से निकालोगे। अभी प्रिंस की तबीयत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे ना, तब हमारा गौरव हमारे साथ ही जाएगा। गौरव मेरा है और मेरे साथ ही रहेगा। हम ना इस काढ़े में शहद डाल देते हैं ताकि प्रिंस को ये काढ़ा ज्यादा कड़वा ना लगे। कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त मोरा पिया मोरा पिया हो नजरों के तीर में बसा है प्यार जब भी चला है वो दिल के पार नजरों के तीर में बसा है प्यार जब भी चला है वो दिल के पार लच्छा से मर रे जिया पिया लच्छा से मर रे जिया प्यार लच्छा से मर रे जिया। खोलो क्या कर रहे हो अब फिर से टकराओ वरना झगड़ा हो जाएगा। कहाँ गिरती पड़ती रहती हो तुम। क्या हुआ गौन? तुम्हें याद है चुया जब बचपन में हम बीमार पड़ जाते थे तो ऐसा ही काढ़ा हमारे लिए भी बनाते थे और तब तक हमारे पास से नहीं हिलती थी जब तक हम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते थे। हाँ हमें सब याद है गौरव और हम हमेशा सब कुछ याद रखेंगे। कुछ भूलने नहीं वाले चाहे कुछ भी हो हम हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़े रहेंगे और हम हर वो चीज करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छी है। प्रिंस की दवाइयाँ हम उसे खिला देंगे। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने जो भी किया हमारे अच्छे के लिए किया लेकिन मैडम ने भी उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उनसे जाकर बात करते हैं अभी। मैडम रुक जाइए। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मैडम मैडम नहीं प्लीज मैडम प्लीज रुक जाइए। मैडम हम आपके हाथ जोड़ते हैं प्लीज प्लीज रुक जाइए। मैडम मैडम प्लीज रुक जाइए। बस थोड़ा सा और। अरे प्रिंस गुड बॉय है ना, जल्दी जल्दी ठीक होना है कि नहीं तो फिर थोड़ा सा। अच्छा अब बाकी का थोड़ी देर के बाद पियेंगे। अब तुम सो जाओ बच्चा। हे माता प्रिंस को जल्दी से ठीक कर दो। हमारी इतनी विनती स्वीकार लीजिए माता। Thank you.
आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें आपके पीठ पीछे यूं काम नहीं ढूंढना चाहिए था, पर हम सिर्फ ये जानना चाहते थे मैडम, मार्केट में हमारी इज्जत क्या है, आपके सिवा में हमें और कोई काम देगा या नहीं। अपना हुनर आजमाना चाहते थे। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे काम से। मुझे अगर मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। मुझे आदत हो गई है तुम्हारी, मुझे आदत हो गई है तुम्हारी, मुझे होगा समझो। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।